नमस्कार दोस्तों, लमन त्रोपा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर पाना चाहते हैं किसी इंसान पे अपना पूरा काबू, तो कर लीजिए बस ये छोटा सा उपाय, हो जाएगा आपके काबू में, आपके प्रति बेकाबू है इंसान। जी हाँ मित्रों, एक ऐसे ही अजीब टोटके की बात करने जा रहा हूँ, उससे पहले आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को पूरा देखा करें। जब तक आप टोटके के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखेंगे, इस विषय में पूरी जानकारी नहीं रखेंगे वशीकरण के बारे में, तब तक आप कर नहीं पाएंगे। और वीडियो में बताए जाते नियम वो कोई मजाक नहीं है, उनका पालना करना बहुत अति आवश्यक होता है अगर आप किसी टोटके को कामयाब करना चाहते हैं। अगर पालन नहीं करते तो आप कभी भी इन विषयों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और किसी को वशीभूत करना मजाक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, तो इसे अजमाने मात्र से कदाचित भी न करें। आज का टोटका है सरल, लेकिन उस इंसान के लिए करें जिसे वास्तव में आप में प्रेम करते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, मैं एक के लिए नहीं बता रहा, जिसे आप जानते हैं पहचानते हैं, आपकी जान पहचान अच्छी है, जिसे अच्छे तरीके से आप जानते हैं, ऐसे नहीं किसी भी इंसान को कर लेंगे तो उसे आप असंधन से उसके ऊपर काबू में पा सकते हैं। उसके अलावा मैं आपसे कहूँगा, अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके पे मंत्र बता पाएं। करना क्या है, किसी भी शुक्रवार या मंगलवार की रात्रि को जब रात्रि के 11:45 हो, 11:45 सुन लीजिए एक बार ध्यान से, 11:45 हो, उस वक्त आपको एक सफ़ेद रुमाल या पिंक कलर का रुमाल लेना है और उस इंसान की फ़ोटो चाहिए। सोते समय नहा धोकर स्नान करके, स्नान आदि करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप करें, खड़े रहकर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर आपको उस इंसान का फ़ोटो लेना है और इस फोटो को आपको दूध के अंदर, कच्चे दूध के अंदर इस तरीके से डुबो लेना। डुबो लेने के बाद आप इसे रखें इस रुमाल के ऊपर, और आपको पीली दाल, कोई भी पीला धान लेना है किसी भी प्रकार का, वह एक मुट्ठी आपको इसके ऊपर इस तरीके से डाल देना है। उसके बाद आपको 3 इलायची लेनी है, हरी इलायची, अपने पूरे बदन पे लगाते हुए, अपने मस्तिष्क पे लगाते हुए, इसके ऊपर अपनी पूरी बॉडी के लगाना, सारे शरीर के लगाकर इसके ऊपर रख दी। फिर आप 3 ही लौंग ले, यह भी अपनी बॉडी के ऊपर पूरे तरीके से लगाते हुए इसके भीतर रख दें। रख देने के बाद आप इसको एकत्रित कर लें, और जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए उनका ध्यान करें और उस इंसान का एकदम चेहरा याद करें जिसकी आपने फोटो रखी है, और सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद आप इसे अपने तकिए के नीचे या अपने बेड के जिधर आपके पाँव हैं वहाँ रखना है, यानी कि आप जिस पे सोते हैं उसी पे रखना है। कोशिश करें अकेले सोएं, साथ कोई ना सोए, अगर साथ अगर वो इंसान ही सो रहा है जिससे आप वशीभूत करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली सुबह आप इसे उठें और कुछ खाने पीने से पहले आप इसको इससे खोलना है, और किसी अन्य का चेहरा नहीं देखना है, इस तस्वीर को निकाल कर उसी व्यक्ति का आपको फोटो दे चेहरा देखना है जिसकी आपने फोटो डाली है, और 2 मिनट इसका चेहरा देखकर उसका नाम बोलना है और आपके मन में जो इच्छा है, जो काम करवाना चाहते हैं उसे बोल दें। और इस दाल को आप छत पर अपनी घेर दें या पक्षियों को घेर दें, कोई दिक्कत नहीं। इस लौंग को और इलायचियों को आपको निकाल कर रख लेना है। अब इसी लौंग और इलायची में से एक इलायची और एक लौंग आपको दिन भर में किसी भी टाइम आप खा सकते हैं। अगली सुबह आपको क्या करना, अगली रात्रि को, उसी दिन रात्रि को जिस दिन आप उठे हैं, तो अगली रात्रि को आपको क्या करना है, इसकी बजाय जैसे आपने मान लीजिए पीली दाल रखी है, उसी तरीके से आपको उस फोटो को, सेम फोटो को रखना है। इस पर या तो काली दिल या काली चाय पत्ती होती है, घरों में आसानी से मिल जाती है, लोगों को तिल नहीं बनते, इसीलिए मैंने चाय पत्ती का, इसे रखना है। और जो बची हुई 2 इलायचियाँ हैं, जो 2 लौंग है, वे आपको अपनी बदन पे लगा के फिर से इसके ऊपर रखना है और गांठ लगा देनी है। फिर से गांठ लगाने के बाद अपने सच्चे इष्ट को याद करना है और इस इंसान का नाम लेकर अपने तकिए नीचे रख के सो जाएं। रात्रि को आपको सपने आएंगे उसके बारे में, अच्छे भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं, लेकिन याद रहे जब सपने आएँ तो घबराएं नहीं किसी भी प्रकार का, वे एक संदेश होगा। जब सपने आएंगे आपको, रात्रि में सपने आते हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि आपका टोटका काम कर रहा है। अगली सुबह फिर से उठना, उस इंसान का चेहरा दिखना, और इस चाय पत्ती को आप घर की छत पे या बाहर फेंक सकते हैं, और इसमें से 1 इलायची 1 लौंग आपको खा लेना है, और 1 आपको बचे हुए अगले दिन खाना है। मात्र 3 दिन के भीतर आप उस इंसान पे काबू पा सकते हैं जिसकी आप फोटो रख रहे हैं, और इस फोटो को कभी भी घूमने नहीं दें, अपने पास हमेशा संभाल के रखें। बहुत शक्तिशाली टोटका है, कृपया आ जाने मात्र से न करें। इसके अलावा अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है तो आप बेझिझक होकर मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर से नंबर देगा। इसके साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ, धन्यवाद।